अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स, आज अफ्तारी के लिए सिर्फ मैं ये चीज़ ही खाऊंगी और ये पेप्सी पीऊंगी। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं लस्सी नहीं पीऊंगी क्योंकि मेरे सर में दर्द हो जाता है, तो बस आज के लिए मैंने सिर्फ इतना ही किया है अपने लिए और कुछ भी नहीं खाऊंगी, ये खाऊंगी। और इसमें भी मैंने चावल नहीं खाए और बस, और ये मेरा फेवरेट अचार है, ये मैं खाती हूँ, मुझे पसंद है। और ये फलक का चाट है, ये भी मुझे पसंद है। और ये दही बड़े के साथ मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। और ये है पराठा, मैंने पराठा चिप्स और सीख कबाब खाए और चावल रह गए मुझसे, चावल मैंने नहीं खाया। और चलिए अब इफ्तारी के बाद मेरे जो बाल हैं ना वो थोड़े खुश्क लग रहे थे ऐसे। वैसे मैं तेल लगाती नहीं हूँ, इतनी आदत नहीं हूँ, लेकिन आज दिल ने चाहा तो मैंने लगा लिया तेल, तो बाल ज़रा थोड़े से बाल फ्रीजी हो गए थे मेरे। तो फिर मैंने सोचा मैं सरसों का तेल ही लगा लेती हूँ। वैसे तो एक साल हो चुका है कि मैं तेल नहीं लगाती हूँ, बहुत ही कम लगाती। इस दफ़ा मेरे बाल थोड़े फ्रीजी हुए, तो जब फ्रीजी बाल हो जाए ना तो फिर इस तरह से तेल लगाया करें आप। जैतून का भी अच्छा होता है और सरसों का और खोपरे का, अगर इन तीनों को मिक्स करके लगाए तो फिर काफ़ी अच्छा होता है। तो ये वाला जैतून का तेल मैंने लिए अल्फत स्टोर से, ये 155 का मुझे मिला है। तो आप लोग भी लिए, बहुत अच्छा तेल है, साफ़ सुथरा सरसों का तेल है। अच्छा, तो बस इतना ख़ास मैंने आज वीडियो नहीं बना सकी, बस जो कुछ था थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों से शेयर किया। और हाँ, मैं ऐसे करें जब अफ्तारी का टाइम आए ना तो आप लोगों को चाहिए कि उससे पहले आप लेमन वाला एक गिलास पानी पिए, लेमन वाला, सिर्फ लेमन होना, नीम गर्म पानी, तो वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो आज का नुस्खा यही था कि लेमन ना छोड़ दे उसमें और नीम गर्म पानी पी ले, फिर उससे अफ्तारी करे फास्ट तो अच्छा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।